हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चका चेक। दोस्तों, डिस्टेंस एमबीए का नाम सुनते ही मन में कई सवाल आते हैं कि इसमें क्या स्कोप है, प्लेसमेंट होता है या नहीं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एमबीए ऑफर करती है, डिस्टेंस एमबीए की वैल्यू है या नहीं। ये तमाम सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो ऑनलाइन डिस्टेंस एमबीए करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्टेंस एमबीए को लेकर बात करेंगे और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके जवाब हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी डिस्टेंस एमबीए करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि ऑनलाइन एमबीए को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत अपने पहले पॉइंट से करते हैं और जानते हैं ऑनलाइन एमबीए क्या है। दोस्तों, ऑनलाइन एमबीए एक मास्टर्स कोर्स है जिसमें आपको फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसकी जानकारी दी जाती है। दोस्तों, ऑनलाइन एमबीए और रेगुलर एमबीए में कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। जैसे रेगुलर एमबीए में आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा, जबकि ऑनलाइन एमबीए में आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। फी को लेकर भी थोड़ा अंतर मिल सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑनलाइन एमबीए करते हुए आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर एमबीए करते हैं तो आपको हर दिन क्लास अटेंड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि आज के समय में ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन एमबीए करना पसंद करते हैं, ताकि वो नौकरी भी कर सकें और ऑनलाइन एमबीए करके करियर में आगे भी बढ़ सकें। इसके बाद जानते हैं इस कोर्स को कौन कर सकता है। दोस्तों, बेसिकली डिस्टेंस एमबीए वही करते हैं जो फाइनेंशियली उतने मजबूत नहीं होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। हर दिन वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो करियर में आगे बढ़ने के लिए एमबीए करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट ऑनलाइन यानी कि डिस्टेंस एमबीए करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑनलाइन एमबीए में उन्हें कई फायदे हैं, जैसे आपको हर दिन फिजिकली क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक या दो दिन क्लास करना होगा, वो भी ऑनलाइन। तो आप काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और एमबीए करने के बाद अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑनलाइन एमबीए उनके लिए बेहतर है जो जॉब कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर हैं। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन एमबीए के नुकसान क्या है। दोस्तों, ऑनलाइन एमबीए फायदेमंद तो है, लेकिन रेगुलर एमबीए करने में जितना फ़ायदा है उतना इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन एमबीए नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑनलाइन एमबीए आज के समय में स्टूडेंट का बहुत बड़ा सहारा है। अगर ऑनलाइन एमबीए ना हो तो कई स्टूडेंट अपनी लाइफ में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक नुकसान की बात है तो रेगुलर एमबीए में आप हर दिन क्लास अटेंड करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल करने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रैक्टिकल ज़्यादा करेंगे तो नॉलेज भी ज़्यादा होगा, लेकिन ऑनलाइन एमबीए में आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। और बिना प्रैक्टिकल एमबीए करने वाले स्टूडेंट को पढ़ाई करना पड़ता है ताकि वो रेगुलर एमबीए करने वाले स्टूडेंट की बराबरी कर सकें। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ यूजी, पीजी एंड अदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहाँ से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा और कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। इसके बाद AI मॉडल आपके लिए सुटेबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइडर्स की लिस्ट तैयार करेगा। यहाँ जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की लिस्ट दिखेगी वो सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। यहाँ आपको दो विकल्प मिलते हैं, आप चाहें तो सीधे एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, या आप फ्री ऑडियो वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट से भी जुड़ सकते हैं। ये काउंसलर एडमिशन शुरू होने से लेकर प्लेसमेंट तक आपसे जुड़े रहेंगे। आप फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, EMI फैसिलिटी एक्सेट्रा जैसे 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के आधार पर आसानी से अपने पसंदीदा यूनिवर्सिटी की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, कॉलेज विद्या के साथ एक अच्छा बेनिफिट यह है कि फी के लिए वे आपको EMI का ऑप्शन देते हैं, भले ही कोई यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलेज विद्या आपको ऑथेंटिक विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आपको फेक और संभावित स्कैम से बचाता है। दोस्तों, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पर छात्रों को 10,000 तक सब्सिडी मिलेगी। वे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी प्रदान करते हैं जिनकी कीमत 6,999 रुपये है। लेकिन यदि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर एडमिशन लेते हैं तो आपको फ्री में भी मिल जाता है, और फिर आपको नेटवर्किंग के लिए उनके ह्यूज CV कम्युनिटी में भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद जानते हैं फी भी काफ़ी कम लगती है। दोस्तों, ऑनलाइन MBA की फी रेगुलर MBA के मुकाबले काफ़ी कम होती है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि रेगुलर MBA अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपको इसके लिए 5-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस MBA करते हैं तो आपको 50,000 से 2 लाख के बीच में फी होता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है रेगुलर और ऑनलाइन MBA
MBA में। तो अगर आप भी ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन MBA बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके आपके जॉब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप आसानी से दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों अब सबसे जरूरी है कि अगर कोई ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों एडमिशन के लिए कई क्राइटेरिया है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो सिर्फ मार्क्स के आधार पर एडमिशन दे देते हैं, वहाँ किसी भी तरह का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर लेती है। जबकि कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसे हैं जहाँ आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर आप एक बार ये चेक जरूर कर लें कि एडमिशन कैसे मिलेगा। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन MBA में किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। दोस्तों ज़्यादातर छात्रों को MBA खुद ही एक सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि MBA का मतलब होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें आपको बिजनेस से जुड़ी पढ़ाई करवाई जाती है। अब बिजनेस भी कई तरह के होते हैं, ऐसे में MBA में भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि ऑनलाइन MBA किन किन सब्जेक्ट से कर सकते हैं। इसमें फाइनेंस, रिटेल, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, गेस्ट एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स। दोस्तों वैसे तो और भी कई सब्जेक्ट ऑनलाइन MBA में हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य कोर्सेज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन MBA के लिए टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। दोस्तों अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई ऑनलाइन MBA करना चाहते हैं तो किस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस सेंट्रल फॉर डिस्टेंस लर्निंग, IIT गाजियाबाद, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई, अमेठी यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी बेंगलोर, आंध्रा यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसके अलावा भी कई और यूनिवर्सिटी हैं जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं, तो आप अपनी पसंद के कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं ऑनलाइन MBA करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों हम कोई भी पढ़ाई करें, कोई भी कोर्स करें, आखिर में यही सोचते हैं कि यार कोर्स करने के बाद जब हम जॉब करेंगे तो सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों ये सवाल ज़रूरी भी है, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन MBA करने के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो एक अनुमान के मुताबिक शुरुआती सैलरी 3.5 लाख तक हो सकती है। हालांकि कई कंपनियां अच्छा खासा पैकेज भी देती है, कई लोगों को 6.5 लाख से लेकर 8 लाख तक का पैकेज मिला है। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, तो सैलरी को लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों अब एक और ज़रूरी सवाल ये है कि ऑनलाइन MBA करने के बाद करियर स्कोप क्या है। तो दोस्तों बिजनेस मैनेजमेंट करने वालों की डिमांड हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले वक्त में इनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। यही नहीं, विदेशों में भी ऑनलाइन MBA करने वालों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। खासकर भारतीय वर्किंग प्रोफेशनल्स की डिमांड तो हर जगह ज़्यादा रहती है, खासकर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री में। तो दोस्तों आपको अपने करियर को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन MBA किया है तो आप भारत में रहकर या विदेश जाकर भी नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।